hello children welcome to rekha online classes today we will read second chapter we are not afraid to die if we can all be together of hornville this chapter is written by gordon cook and Ellen east now we start this chapter in july 1976 my wife mary सन जोनाथन सिक्स डॉटर सुजैन सेवन एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाई इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड व्यार्स मेड टू हंड्रेड ईयर्स अर्लीयर बाय कैप्टन जेम्स कुक यहाँ पर जो राइटर हैं गॉर्डन कुक वो बता रहे हैं कि ये बात है नाइन्टीन सेवेंटी सिक्स जुलाई की जब उनकी वाइफ मैरी उनका जो बेटा है जोनाथन सिक्स ईयर ओल्ड और उनकी जो डॉटर है सुजैन सेवन ईयर ओल्ड और वो ये चारों इन लोगों ने स्टार्ट की अपनी वयास जर्नी समुद्री यात्रा कहाँ से प्लाई इंग्लैंड से स्टार्ट की टू डुप्लीकेट डुप्लीकेट मीन्स रिपीट करना द राउंड द वर्ल्ड वयास मेड टू हंड्रेड ईयर्स अर्लीअर बाय कैप्टन जेम्स कुक यानी कि कैप्टन जेम्स कुक थे उन्होंने करीब टू हंड्रेड ईयर्स पहले पूरे वर्ल्ड की व्याज यात्रा की थी इन्होंने जर्नी की थी उस जर्नी को रिपीट करने के लिए इन्होंने भी यानी कि गोडन कुक ने और उनकी वाइफ ने और उनके दोनों बच्चों ने उन्होंने स्टार्ट की अपनी वयाज़ जर्नी और कब स्टार्ट की ये बात है जुलाई 1976 की फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई आ थर्टी सेवन ईयर ओल्ड बिजनेस मैन है ड्रेम्प्ट ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोर यानी कि सबसे लंबे टाइम से यानी बहुत लंबे समय से मैरी और मै ने यानी कि गॉर्डन कुक ने जो कि थर्टी सेवन ईयर ओल्ड थे और जो बिजनेस मैन थे उन्होंने ये सपना देखा था कि वो सेलिंग करें या समुद्र यात्रा करें इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोर फेमस एक्सप्लोर के रूप में and uh, for the past सिक्सटीन years we had spent all our leisure time honing honing means sharpening our seafaring skills in British waters. वाटर्स और पिछले सिक्सटीन ईयर्स से पिछले सोलह साल से उन्होंने अपना जो भी टाइम है जो भी उनका खाली टाइम था वो सारा खाली टाइम लीजर weekend वीकेंड टाइम उन्होंने अपना खाली समय किसमें स्पेंड किया अपनी जो समुद्र की जो स्किल्स थी जो उन्हें नॉलेज थी ब्रिटिस वाटर्स की जो नॉलेज थी उस नॉलेज को यानी किस तरह से उन्हें जाना है कहाँ कहाँ जाना है किस रास्ते से जाना है वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो सारी स्किल्स को उन्होंने अपनी स्किल्स को शार्प करने में लगा दिया यानी कि सिक्सटीन ईयर्स उन्होंने इसी चीज़ में लगा दिए आवर वोट वेव वॉकर उनकी जो बोट थी उसका नेम था वेव वॉकर और ट्वेंटी थ्री मीटर जो जिसकी जो लंबाई थी वो ट्वेंटी थ्री मीटर थी थर्टी टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी और जो कि वुडन की बनी हुई थी और थर्टी टन उसका वेट था हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट उसे प्रोफेशनली तरीके से बनाया गया था एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट और हमने कई महीने लगा दिए इसको फिट करने में एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड और हमने साथ ही इसको टेस्ट भी किया जो रफेस्ट जितना बुरे से बुरा वेदर हो सकता था उसमें हमने इसको टेस्ट भी किया द फर्स्ट लेक ऑफ आर प्लान थ्री ईयर वन लैख फाइव थाउजेंड किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली यानी कि उनकी जो वो जर्नी का जो प्लान था थ्री ईयर का उसका जो फर्स्ट स्टेप था फर्स्ट लेक यानी कि फर्स्ट स्टेप जो था उसमें उन्होंने वन लैख फाइव थाउजेंड किलोमीटर की जर्नी उन्होंने इजीली, प्लीजेंटली खुशी खुशी पास कर ली थी एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू कैप टाउन और जब उन्होंने जो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से कैपटाउन की तरफ उन्होंने जब चलना स्टार्ट किया जर्नी उन्होंने अपनी स्टार्ट की दे आर वीफोर हैडिंग ईस्ट यानी ईस्ट में चलने से पहले वी टुक ऑन टू क्रू मैन उन्होंने अपने साथ टू क्रू मैन उन्होंने ले लिए क्रूमैन यानी कि जो हेल्पर होते हैं जो सेलमैन uh, होते हैं उ, उन्हें ले लिया उनमें से एक था अमेरिकन लैरी विजिल, अमेरिका का लैरी विजिल, एंड स्विट्जरलैंड का हर सीजर uh, और जो स्विट्ज़रलैंड का हर सीजलर था टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज़ उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की किसमें वर्ल्ड के रफेस्ट सीज़ यानी वर्ल्ड के जो सबसे रफेस्ट सीज़ थे उनमें से एक में जो हम जा रहे थे उसको टैकल करने में उन्होंने हमारी हेल्प की द सदन उसका नेम था द सदन इंडियन ओसन क्या नेम था उसका सदन इंडियन ओसन ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन हमारा जो सेकेंड डे था केप टाउन में वी वी टू एनकाउंटर स्ट्रोंग गेल्स और वहाँ पर हमने सामना करना स्टार्ट किया स्ट्रोंग गेल्स यानी कि तूफ़ानी हवाओं का फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगले कुछ सप्ताह में दे आर ब्लू कंटिन्यूसली गर्ल्स डिड नॉट वरी मी यानी कि अगले कुछ सप्ताह तक ये जो बहुत ही तूफानी भरी हवाएं जो चल रही थीं लगातार चल रही थी इन्होंने हमें परेशान नहीं किया मतलब इनकी वजह से हम परेशान नहीं हुए बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग लेकिन जो वेव्स समुद्र में जो उठ रही थी उनका जो साइज़ था वो हमें ज़रूर अलार्म कर रहा था हमें चौकन्ना कर रहा था अप टू फिफ्टीन मीटर्स यानी कि जो वेव्स का जो साइज था वो कितना लंबा कितना ऊंचा था वो यानी फिफ्टीन मीटर्स के करीब ऊंचा था एज हाई एज आवर मेन मास्ट यानी शिप में जो पोल लगा होता है उसमें जो मास्ट लगी होती है उसकी जितनी उसकी ऊंचाई थी किसकी वेव्स की डिसम्बर ट्वेंटी फाइव फाउंड अस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ कैपटाउन यानी कि ट्वेंटी फाइव दिसम्बर को हमने करीब थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड हंड्रेड किलोमीटर की हमने जर्नी हमने कंप्लीट की थी कैपटाउन we के ईस्ट में डेस्पाइट एट्रोसी वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कम्प्लीट विद क्रिसमस ट्री एट्रोसियस मीन्स हॉर्वल यानी कि हॉर्वल वेदर के बावजूद भी हमने ट्वेंटी फाइव दिसंबर यानी कि जो क्रिसमस डे होता है उसको हमने क्रिसमस ट्री के साथ हमने वो अपनी वंडरफुल हॉलीडे हमने स्पेंड की न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर और जो न्यू ईयर का दिन था उस दिन हमें वेदर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून लेकिन हमें यह लग रहा था कि अभी वेदर जरूर चेंज हो जाएगा एंड इट डिस चेंज और ये चेंज भी हुआ फॉर द वर्स अच्छे के लिए नहीं बल्कि बुरे के लिए चेंज हुआ मतलब वेदर जो और भी अधिक बुरा हो गया एट डाउन ऑन जनवरी सेकेंड द वेव्स वर्स आंटिंग यानी कि जो बात है जनवरी सेकेंड की उसकी मॉर्निंग में यानी डॉन मीन्स जो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसे डॉन बोलते हैं द तो वेब्स जिगेंटिंग ये जो वेव्स थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी एकदम विशाल थी वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिव एंड वर स्टिल मेकिंग एट नॉट्स मीन्स और हमने क्या किया जो जिप थी जिप बोलते हैं एक तिकोनी पाल को बोलते हैं तो हमने एक छोटी जो तूफान की जो तूफानी जो तिकोनी पाल थी हमने उसको लेके हमने सेल करना स्टार्ट किया और हमारी जो स्पीड थी वो एट की स्पीड थी हमारी एट की स्पीड से हमने बढ़ना स्टार्ट किया एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच wave, वी कुड सी एंडलेस enormous सीज रोलिंग towards अस और जैसे ही हमारा शिप जो है वो वेव की सबसे ऊंचाई पर होता मतलब चल रहा था हमारा शिप और जैसे वेव आती उसके वेव के ऊपर होता वहाँ से हमें दिखाई दे सकता था पूरा समुद्र कैसा था वो एंडलेस यानी उसका कोई एंड ही नहीं हमें दिखाई दे रहा था इनमो इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा समुद्र रोलिंग टूवर्ड्स अस वो हमारी तरफ़ बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा था एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स यानी कि जो विंड थी उसकी जो चीख थी हवा की जो तूफ़ानी भरी जो हवाएं थी उनकी जो चीख थी और जो बौछार थी वो हमारे ईयर्स को बहुत ज़्यादा पेनफुल साबित हो रही थी यानी कि हमारे आ, कानों में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी उनको सुन के टू स्लो द बोट डाउन हमने बोट को स्लो किया वी ड्रॉप द स्टॉम जिप हमने स्ट्रॉम्प जिप को छोड़ दिया वहीं पे एंड लेस्ट अ हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न स्टर्न बोलते हैं शिप के पीछे वाले हिस्से को फिर हमने किया क्या किया लेस्ट लेस्टनेस बांधना हमने एक बहुत ही मोटे रस्से को लिया और उसे हमने जहाज के पीछे वाले हिस्से से लूप की सहायता से हमने इसको बांध दिया देन वी डबल लेस्ट एवरी और फिर हमने चार तरफ से हमने उसको डबल तरीके से डबल करके हमने बाँध दिया वैन थ्रू आवर लाइफ रेफ डिल फिर हमने अपने साथ जो है लाइफ रैफ डिल ड्रिल ली हमने अटैच्ड लाइफ यानी कि जो भी uh, जीवन रक्षक तारे तार होते हैं मतलब उनसे हमने अटैच किया डंड ऑल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स और जो जल कपड़े होते हैं ऑल स्किन होते हैं लाइफ जैकेट्स होती हैं वो हमने पहन ली एंड वेटेड और हम वेट करने लगे द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इमेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट सिक्स पी एम और जो बढ़ता हुआ जो डिज़ास्टर था उसका जो फर्स्ट इंडिकेशन था वो हमें कब मिला सिक्स पी एम पर मिला विद एन ओमिनियस ओमिनस साइलेंस ओमिनस साइलेंस यानी ओमिनस मीस एवरीवेयर हर एक जगह साइलेंस यानी हर जगह एकदम से मौसम कैसा हो गया एकदम साइलेंट हो गया विंड ड्रॉप हवा रुक गई एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क स्काई कैसा हो गया तुरंत एकदम से डार्क हो गया देन केम आ ग्रोइंग रोर एकदम से तेज चिंगाड़ने की आवाज़ आई एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉर्ड एप्ट ऑफ द शेप और ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा बादल जो है हमारे शिप के ऊपर से एकदम से छा गया है कवर कर लिया उसने विथ हॉरर डर के साथ आई रियलाइज मैंने ये महसूस किया दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड ये कोई क्लाउड नहीं था जो हमारे शिप के ऊपर से एकदम से छा गया था बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन बल्कि क्लाउड नहीं था बल्कि क्या थी ये एक वेब थी एक लहर थी बहुत बड़ी लहर थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी उस लहर ने हमारे शिप को कवर कर लिया एकदम से बहुत बड़ी लहर आई इट अपियर परफेक्टली वर्टिकल और ये लहर दिखने में कैसी थी वर्टिकल थी लंबाई में थी एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स यानी कि जैसे समुद्र में वेव्स होती हैं उनकी करीब ट्वाइस यानी कि दुगनी हाइट की थी ये विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रैस्ट क्रैस्ट यानी जैसे पहाड़ी वगैरह होती हैं उनकी चटकने की जैसे आवाज़ होती है ऐसे एकदम तेज चटकने की आवाज के साथ एकदम से सा वो वेव्स वो वेव वहां पर आई द रोर इंक्रीज टू अ थंडर अब रोड जो चिंगारने की जो आवाज़ आ रही थी वेब्स की वो किस में चेंज हो गई थंडर में चेंज हो गई जैसे बिजली चमकती है उसमें चेंज हो गई एज अ स्टर्न मूवड अप द फेस ऑफ द वेब अब जो स्टर्न मैंने आपको पहले बताया था कि शिप का पीछे वाला हिस्सा होता है अब वो मूव होकर कहाँ हो गया वो वेव की तरफ हो गया यानी कि शिप जो है वो टर्न हो गया एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट पहले तो हमने ये सोचा कि शायद हम इस वेव पर हम राइड करके हम पार निकल जाएंगे but then a tremendous explosion shook the एक्सप्लोजन शुभ बोलते हैं जो बोर्ड का जो ऊपर हिस्सा होता है जहां पर लोग चलते हैं उसे deck बोलते हैं, वहां पर एकदम से बहुत ही भयानक विस्फोट के साथ उसने क्या किया डैक को एकदम बुरी तरह से हिला दिया अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप और एकदम से जो ग्रीन और वाइट कलर का वाटर जो है बहुत तेजी के साथ शिप में अंदर आ गया माई हैड स्मेस्ड इन टू द व्हील और मेरा सिर कहाँ जाके लगा एकदम से व्हील में जाके लगा यानी स्टेयरिंग थी वहाँ जाके लगा मेरा सिर एंड आई वॉज़ अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर वोड और साथ में मैं मतलब भले ही मेरा सिर स्टेयरिंग में लगा व्हील में लगा लेकिन मैं इतना अवेयर था कि मैं जो है वो बोर्ड से गिर रहा हूँ यानी इतनी बड़ी वेव आई लहर आई इतनी भयंकर लहर थी वो उस वो एकदम से जहाज से इतनी बुरी तरह से टकराई क्या हुआ था कि एकदम से ये आ, उनका सिर जो है वो गॉर्डन कुक का जो सिर है वो व्हील से लगा और वो इतना अव्यर्थ थे कि वो बोर्ड से गिर रहे हैं नीचे एंड सिंकिंग ब्लो द वेब्स और वो लहरों में डूब रहे हैं यानी कि शिप से एकदम से वो लहरों में गिर गए और वहाँ पर उन्हें ये चीज़ महसूस हो रही थी कि वो डूब रहे हैं आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डैथ अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था स्वीकार कर लिया था कि जो मेरी डेथ मेरे पास आती जा रही थी मैंने उसको स्वीकार कर लिया था कि अब मेरी डेथ होनी निश्चित है एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस और मैं साथ में अपने होश भी खो रहा था आई क्वाइट आई फेल क्वाइट पीसफुल लेकिन मैं बिल्कुल एकदम पीसफुल फील कर रहा था कि जैसा कि हम मरने से पहले डेथ से पहले जो एकदम पीसफुल फील करते सेम वैसे ही वो पीसफुल फील कर रहे थे कि भाई अब डेथ आ रही है उनकी डेथ होने वाली है अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वॉटर पॉप्ड कि केम आउट मीन्स उम्मीद के विपरीत यानी कि ऐसा उन्होंने होप नहीं की थी उम्मीद नहीं की थी उसके विपरीत उनका सिर जो एकदम से पानी में से निकला समुद्र के पानी में से निकला आई आ फ्यू मीटर्स अवे कुछ मीटर दूर वेब वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। यानी कि जो उनकी जो वेब वॉकर थी उनकी जो बोट थी कैप्साइजिंग मीस ओवर टर्निंग यानी उनकी जो बोट थी वो ओवर टर्निंग होने वाली थी उलटने वाली थी हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरीजेंटल यानी कि मास्ट जो होता है पोल होता है वो कैसा होता है वर्टिकल में होता है लेकिन अब जो पलटने की वजह से अब कैसा हो रहा था हॉरिजेंटल हो रहा था देन आ वेव हर्ल्ड हर अपराइट तभी एकदम से तेज एकदम वेव आई और उसने उसको बोट को एकदम सीधा कर दिया माई लाइफ लाइन जर्ट टॉट और मैंने जो लाइफ लाइन पहनी हुई थी वो जर्ट एकदम से उसमें झटका लगा वेफ से और टॉट एकदम से वो मेरी टाइट हो गई आई ग्रेप द गार्ड रेल्स मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ा एंड सेल्ड थ्रू द एयर इन टू वेब वॉकर मेन वूम और मैं एकदम से एयर की वजह से वेब वॉकर के मेन वूम में एकदम से झटके के साथ पहुँच गया सबसे क्वेंट वेब्स टॉस्ट मी एराउंड द डेक लाइक अ रेगडॉल यानी कि वेब्स कंटिन्यूस में आ रही थी और उन बेब्स की वजह से उन्होंने कहाँ पटक दिया उनको डेक पर पटक दिया और किसकी तरह जैसे रेक डॉल होती है कपड़े की बनी हुई डॉल होती है उसकी तरह उन्होंने उसको डेक पर पटक दिया माई लेफ्ट रिप्स क्रेक्ट उनकी जो लेफ्ट साइड की जो रिप्स थी जो पसलियाँ पसलियाँ थी वो क्रैक्ड हो गई थी क्रैक हो गई थी माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ उनका जो माउथ था वो ब्लड से टूटे दांतों से भर गया था सम हाउ आई फाउंड द व्हील किसी तरह से उन्होंने व्हील को संभाला स्टेयरिंग को मतलब वहाँ पे एकदम से मिल गई वो स्टेयरिंग उन्हें पकड़ लिया उन्होंने एंड लाइन अप द स्ट फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन और फिर उन्होंने जो स्टर्न था उनका जो जहाज का बोट का जो पीछे वाला हिस्सा था वो उन्होंने एकदम से आगे किया उसको सीधा किया नेक्स्ट वेव के लिए एंड हंग ऑन उन्होंने व्हील को कंटिन्यू रखा वॉटर वॉटर एवरी अब वो बता रहे हैं कि सभी जगह क्या था पानी था आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर ब्लो मीन्स उन्हें इस साथ में ये भी फील हो रहा था कि शिप में नीचे से वाटर आ रहा है बट आई डेड नॉट एवन डन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट लेकिन साथ में उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वही व्हील को छोड़कर वो इन्वेस्टिगेट करें कि पानी कहाँ से आ रहा है कितना भर रहा है सडनली अचानक से द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपिन एंड मैरी अपीयर्ड हैच बोलते हैं जैसे कि जो वोड का जो हिस्सा होता है यानी कि या कह सकते हैं शिप का जो हिस्सा होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है लोअर पार्ट और अपर पार्ट और दोनों के बीच में एक डोर होता है उसे बोलते हैंच तो वहाँ से एकदम से उनकी वाइफ वॉज थ्रोन ओपिन वो खोला एंड मैरी एपियर मैरीयर मैरी मीस उनकी वाइफ अपियर हुई वहाँ पर वी आर सिंगिंग वो एकदम से शी uh, स्क्रीम्ड वो चिल्लाती हुई एकदम बोलती है कि हम डूब रहे हैं द डेक्स आर स्मैश्ड डैग जो है वो स्मैश हो गए हैं नष्ट हो गए हैं वी आर फुल ऑफ वाटर और चारों हम जो है पानी में घिर गए हैं टेक द व्हील आई शाउटेड एज ए स्क्रेम्बल फॉर द हैच मैं एकदम से चिल्लाया कि व्हील को संभालो और मैं हैच की तरफ एकदम से तेजी से बढ़ा लेरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मेडमैन यानी कि जो हमने दो क्रूमैन लिए थे अपने साथ लेरी और हर्व वो दोनों ही पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे क्यों कर रहे थे क्योंकि पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे ब्रोकन टिम्बर्स यानी कि जो टिम्बर्स थी जो लकड़ियाँ थी एकदम से तो टूट के वो कैसे हुई थी हंग एट क्रेजी एंगल्स एक अजीब से एंगल्स में वो दिख रही थी द होल स्टार साइड वर्ल्स्ट इन वर्ड्स स्टारवोर साइड यानी कि जो शिप का जो आगे का हिस्सा होता है उसे स्टार साइड बोलते हैं वो वर्ल्ड मीन धस गया था इन वर्ड अंदर की तरफ क्लॉथ्स, क्रॉकरी चार्ट्स, चार्टिन एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर यानी ये सारी चीजें जो है वो गहरे पानी में यानी जो पानी इसमें शिप में भर गया था उस गहरे पानी में ये सारी चीजें तैर रही थी आई है स्वेम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस केविन वो थोड़ा तैर कर थोड़ा रेंग कर चिल्ड्रन की कैबिन में गए आर यू ऑल राइट आई आस्क मैंने पूछा कि तुम सब ठीक हो यस दे आंसर फ्रॉम एन अपर वंक उन्होंने आंसर दिया अपर वंक यानी कि ऊपर की तरफ जो उनका बिस्तर लगा हुआ था वहाँ से उन्होंने आंसर दिया कि हाँ हम ठीक हैं बट माई हैड हर्ड्स हैट, अब इट सेट्स यानी कि उनकी जो डॉटर थी सुजैन सेवन ईयर ओल्ड उसने बोला कि लेकिन मेरा सिर दुख रहा है पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प एब हर आइज उसकी आइज के ऊपर फोरेड पर बम्प बहुत बड़ा सा बम्प बन गया था सूजन आ गई थी बहुत ज़्यादा आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हैड्स लेकिन राइटर यहाँ बता रहे हैं कि लेकिन मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि भाई मैं अपनी बेटी के जो बम्प निकल आया था फोरेड पर जो सूजन आ गई थी उसकी मैं चिंता कर पाता आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रूज एंड कैनवास यानी कि हैमर स्क्रूज और कैनवास को मिलने पाने के बाद आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक मैं वापस डेक पर पहुंचा। विद द स्टार वो साइड वेस्ट ओपन जो स्टार साइड का जो बेस था वो ओपन हो गया था वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव जिसमें कि हर वेव के साथ पानी अंदर आ रहा था दैट ब्रोक ओवर अस वो हमारे ऊपर जो पानी आ रहा था उसके साथ वो पानी जो है कहाँ आ रहा था वो जो शिप का जो अगला हिस्सा था वो टूट गया था उसमें से पानी अंदर आ रहा था इफ़ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स अब राइटर हैं बताते हैं यदि उन्होंने कुछ रिपेयरिंग नहीं की तो वी वुड श्योरली सिंक तो वो वहाँ पर सब लोग डूब जाएंगे सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास अब वो बता रहे हैं किसी तरह से मैंने कैनवास को फैलाने की कोशिश की एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स एक्रॉस द गेपिंग होल्स और जो कुछ वाटरप्रूफ उन्होंने हेज कवर्स लिए जो कि गैपिंग और जो होल्स बने हुए थे छेद जो बन गए थे उनमें लगाने की कोशिश की सम वाटर कंटिन्यू टू तो स्ट्रीम ब्लो कुछ पानी जो है वो कंटिन्यू नीचे से आ रहा था बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड लेकिन मोस्टली वाटर जो है वो साइड से बाहर जा भी रहा था इतना उन्होंने कर लिया था मोर प्रॉब्लम्स अराउज विन अवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अब विद द डेवरिस डेवरिज बोलते हैं जो कूड़ा करकट होता है फ्लोटिंग अराउंड द केविंस यानी कि ज़्यादातर प्रॉब्लम कब आना स्टार्ट हुई जब उनके हैंड पम्प ने हैंड पम्प्स ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि वो ब्लॉक हो गए थे उस कूड़ा करकट की वजह से जो केविंस के, के चारों तरफ पानी में तैर रहा था एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड और जो इलेक्ट्रिक पम्प था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था द वाटर लेवल रोज थिटिंग जो वाटर लेवल तो बहुत भयानक रूप से बढ़ रहा था बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट अवर टू स्पेयर हैंड हैंडपम्प्स हैड बीन रेंस्ड ओवर बोर्ड अब उन्होंने जब वापस डेक पर गए तो उन्होंने पाया कि जो उनके कुछ खाली दो खाली जो हैंड हैंडपम्प्स पड़े हुए थे वो ओवर बोर्ड से बोर्ड से वो नीचे गिर गए थे एलोंग विद द फॉरेस्ट सेल साथ में फॉरेस्ट उनका सेल भी गिर गया था द जिप जिप भी गिर गई थी द डिंग डिंगिस बोलते हैं जो रबर की जो बोर्ड्स होती हैं वो भी गिर गई थी एंड द मेन एंकर और जो लंगर होता है वो भी उनका गिर गया था इतना सारा सामान उनका जब एकदम से बेब्स आई थी वो जो ओवर टर्न हुआ था शिप उसके साथ वो गिर गया था सामान उनका देन आई रिमेम्बर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर तभी उन्हें याद आया कि उनके दूसरे जो इलेक्ट्रिक पम्प हैं वो चार्ट रूम में फ्लोर में रखा हुआ है I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked। अब वो कहते हैं कि उन्होंने उस इलेक्ट्रिक पम्प को आउट पाइप से कनेक्ट कर दिया जिससे कि वो पानी जो था वो बाहर जा सकता था और वो इस बात के लिए थैंकफुल थे कि भाई उन्हें वो इलेक्ट्रिक पंप मिल गया और वो साथ में काम भी कर रहा था द नाइट ड्रैगड ऑन विद एन एंडलेस अब वो बता रहे हैं कि उनकी पूरी नाइट इसी बात में चली गई किस बात में कि विटरली कोल्ड रूटीन और पंपिंग वो पंपिंग करते रहे बुरी तरह से स्टीरिंग स्टीरिंग को संभालते रहे एंड वर्किंग द रेडियो रेडियो पर काम करते रहे यानी पूरी नाइट उनकी इसी में चली गई वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स मेडे कॉल्स बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल मैसेज जो आते हैं जैसे सपोज शिप से हम जा रहे हैं तो हमें जो मैसेज मिलते हैं कि हमें इस डायरेक्शन से जाना चाहिए या जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो जो भी प्रॉब्लम्स हमें बताते हैं वो चीज़ जो है वो हम उनको जो कॉल्स कर रहे थे उनका हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला विच वॉज़ नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड अब ये कोई ये सरप्राइजिंग बात भी नहीं थी क्योंकि हम जो वर्ल्ड के इस इतने दूर हम इस हिस्से में थे वहाँ पर अगर मेरे कॉल्स काम नहीं कर रही तो ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात भी नहीं थी क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था सुज so हैड हेड सोलन अलार्मिंगली सुई का जो सिर था वो बहुत मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोल हो गया था बहुत ज़्यादा सूज गया था शी हैड टू अनॉर्मस ब्लैक आइज़ उसकी दो एक बड़ी बड़ी काली आँखें सी हो गई थी एंड नाउ शी शोड आसा डीप कट ऑन हर आर्म अब उसने मुझे जो है एक उसकी बाँ में कट लग गया था बाजू में कट लग गया था गहरा वो उसने दिखाया मैंने आस्ट वाई शी हेड मेड मोर ऑफ हर इंजरीज़ बिफोर दिस जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ये पहले क्यों नहीं दिखाई अपनी चोट शेर रिप्लाइड तो उसने आंसर दिया आई डिडेंट वॉन्ट टू वरी मैं आपको चिं बिल्कुल भी चिंता में नहीं डालना चाहती थी चिंतित नहीं करना चाहती थी वैन यू वर्ड ट्राइंग टू सेव अस ऑल क्योंकि जब आप हमें हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं करना चाहती थी टेंशन नहीं देना चाहती थी माई मॉर्निंग ऑन जनवरी थर्ड अब ये बात है जनवरी थर्ड की मॉर्निंग की द पंप्स हैड द वॉटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक टू आवर्स रेस्ट इन रोटेशन अब यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि पम्प्स जो इलेक्ट्रिक पम्प्स थे उन्होंने वाटर लेवल को काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल कर लिया था हमारे लिए और टू आवर्स लग गए इसको रोटेशन में बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक सम वेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग अब यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि फिर भी ट्रेमंडसमिस एक बड़ी लीक वॉटर लाइन में उनकी जो शिप था उसके नीचे जो वॉटर लाइन होती है नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें बहुत बड़ी लीक हो गई थी ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रेप फ्रेम्स वर स्मैश्ड और जब चेक किया जाके तो पता चला कि जो उसकी मेन रिप थी शिप की जो नीचे बॉटम वाला जो हिस्सा होता है उसमें जो मेन रिप थी फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील यानी कील तक वो हिस्सा जो है वो स्मैश्ड हो चुका था इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग होल सेक्शन ऑफ द स्टार वोर्ड होल एक्सेप्ट कवर्ड पार्टीशंस पर वो बता रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से वो स्टार वोर्ड के पूरे सेक्शन को होल्ड अप कर सकते कर सकते वजह इसके कि कुछ कवर्ड पार्टीशंस थे यानी कि कुछ अलमारी वाले पार्टीशंस थे उन्हीं से उन्होंने पूरे स्टार बोर्ड को कनेक्ट कर दिया जिससे कि वो उसको जो डैमेज हिस्सा है उसको बचा के आगे जो शिप है इजीली चलता रहे इसके सिवा और वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं बची थी जो होल्डअप कर सा कर सकते थे वो वी हैड सर्वाइव फॉर फिफ्टीन आवर्स सिंस द वेव हिट अब यहाँ पर वो बता रहे हैं जब जो बहुत बड़ी वेव जो आई थी जिसने शिप को हिट किया था तब से लेके फिफ्टीन तक वो सर्वाइव करते रहे बट वेब वॉकर वुडन्ट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया लेकिन अब वो बता रहे हैं कि वेब वॉकर में अब इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अब हमें इतना लंबा हमें जर्नी करा सकती कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते आई चेक अवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देर वर टू स्मॉल आईलैंड आ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट फिर मैंने जो मेरे साथ चार्ट्स थे वो चार्ट मैंने चेक किए कैलकुलेशंस की तो मैंने पता लगाया कि टू स्मॉल आइलैंड हैं ईस्ट की तरफ कुछ सौ किलोमीटर चलने पर वन ऑफ दैम आयल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस उनमें से एक था आयल एम्स्टर्डम जो कि फ्रेंच का साइंटिफिक बेस था अवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स बोलते हैं सी सुई होती है ओसन ओसन दर्स्ट ओशन इतने विशाल समुद्र में ये जो आइलैंड था वो क्या था एक सुई के समान था बट अन कुड होस्ट सेल अवर चांसेस वुड बी स्लिम इन टीट लेकिन जो विंड थी और जो सी था उस पर जो हम होस्ट कर रहे थे हम चल रहे थे आगे की तरफ आवर चांसेस वुड भी स्लिम इन इट हमारे बचने के चांसेस बहुत ही कम थे द ग्रेट वेव हैड पुट आवर auxiliary इंजन आउट ऑफ सेक्शन क्योंकि जो बहुत बड़ी वेव आई थी जिसने हिट किया था शिप को उसकी वजह से उनका जो सहायक इंजन था वो भी खराब हो गया था ऑन जनवरी फोर आफ्टर थर्टी सिक्स आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पम्पिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर मीन्स जनवरी फोर की बात है थर्टी सिक्स आवर्स लगातार पंपिंग करने के बाद वो कुछ सेंटीमीटर्स वाटर में आगे बढ़ सके नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन अब उन्हें केवल उतनी ही स्पीड रखनी थी अपनी शिप की जितने की जिस स्पीड से वाटर उनका अंदर आ रहा था सी का वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट अब वो मेन जो मास्ट होती है जो पोल लगा होता है उस पर Uh, कोई भी वो सेल नहीं लगा सकते थे सेट नहीं कर सकते थे प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द होल अपार्ट और जो जो सेक्शन था जो डैमेज सेक्शन था शिप का उस पर जो है वो कुछ भी अगर हम वो लगा रहे थे तो एकदम से प्रेशर पड़ रहा था सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर फिर उन्होंने स्टॉर्म जिब लगा दी वहाँ पर तिकोनीपाल लगा दी एंड हेडेड और वो आगे की ओर बढ़े और, और जहाँ उन्होंने सोचा था कि वही टू एलेंड्स जहाँ पर हैं मैरी फाउंड सम कॉर्नर्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स मैरी ने कुछ कॉर्न कॉर्न जो बीफ था और जो क्रैकर बिस्किट्स थे वो दिए एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट टू डेज और हमने लगभग दो दिन में अपना पहला मील हमने खाया था पहला भोजन लिया था वट एवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिप लेकिन ये जो हमने जो रेस्ट लिया वो बहुत थोड़ी देर का था एट फोर पी एम ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहड आस करीब चार बजे की बात है शाम के चार बजे की बात है एकदम से काले बादल बनने स्टार्ट हुए हमारे पीछे हमारे पीछे नहीं शिप के पीछे विद इन द आर द विंड वॉज ब्लैक टू बैक टू फोर्टी नोट्स और जो विंड की जो स्पीड थी वो कितनी थी फोर्टी स्पीड की स्पीड से वो बह रही थी हवा एंड द सीज़ व गेटिंग हायर और सीज़ भी ऊपर उठने लगा यानी उसकी बेफ्स जो थी वो ऊपर उठने लगी हवा की वजह से द वैदर कंटिन्यू टू डेटोरेट थ्रू आउट द नाइट और इस वेदर की वजह से पूरी रात जो मौसम एकदम से ख़राब रहा एंड वाई डाउन ऑन जनवरी फाइव अभी बात है जनवरी फिफ्थ की मॉर्निंग uh, की अवर सिचुएसन वॉज अगेन डेस्परेट हमारी जो सिचुएसन थी वो दोबारा से फिर से निराशाजनक थी वेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्ट फिर मैं बच्चों के केविन में पहुँचा बच्चों को थोड़ा सा कम्फर्ट देने के लिए जॉन ने पूछा डैडी आर वी गोइंग टू डाई क्या हम मरने जा रहे हैं आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट मैंने उसको एश्योर किया कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे हम मरेंगे नहीं कुछ ना कुछ हम कर लेंगे बट डैडी वेंट ऑन लेकिन वो बोलता रहा लेकिन डैडी वी आर एफरेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल be together, मीन्स मीन्स हमें मरने से डर नहीं लगता यदि हम सब लोग साथ साथ हैं तो यू एंड मम्मी सुई एंड आई मीन्स अगर हम चारों साथ हैं तो मुझे मरने से डर नहीं लगता उस बच्चे ने अपने फादर को हिम्मत दिखाई आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विच टू रेस्पॉन्ड मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे जो मैं उसको रेस्पॉन्स कर पाता बट आई लेव द चिल्ड्रंस केविन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग लेकिन जब मैं बच्चों के केविन से बाहर आया तो ये मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे सी से फाइट करनी है विद एवरी थिंग आई हैड जो कुछ मेरे पास है जो कुछ हिम्मत मेरे पास है उस उस हिम्मत के साथ उस साहस के साथ मुझे समुद्र से फाइट करनी है लड़ना है टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारवुड साइड जो स्टारवर्ड साइड का जो आगे का हिस्सा वीकेंड हो चुका था कमजोर हो चुका था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हिव इटू विद द अनडैमेज पोर्ट हल हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स मीन्स मैंने डिसाइड कर लिया कि उसको बांधने के लिए किससे बांधूंगा मैं जो अनपोर्ट जो अनडैमेज है जो अनडैमेज हिस्सा है शिप का उसके साथ मैं उसको बांध दूंगा और जो अनकमिंग वेव्स हैं जो ऑनकमिंग जो वेव्स आ रही हैं उनको फेस करने के लिए यूजिंग एंड इम्प्रोवाइज सी एंगर ऑफ हैवी नायलन रोप एंड टू ट्वेंटी टू लीटर प्लास्टिक वेरल्स ऑफ पैराफिन और मैंने क्या किया फिर एक एंकर बनाया एक लंगर बनाया एक बहुत मोटी नायन ना, 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 नायलोन की रस्सी से और साथ में टू ट्वेंटी टू लीटर प्लास्टिक वेरल्स मेरे पास पड़े हुए थे पैराफिन के जो पैराफिन मीस यानी जो मोमबत्ती जलती है उसमें जो जो धागा जलता है उससे मैंने एक रस्सा बनाया बहुत मोटा दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स उस शाम को मैरी और मैं दोनों साथ साथ बैठे हुए थे हाथ में हाथ पकड़े हुए एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन और जो शिप का जो मोशन था उसकी वजह से जो वाटर और भी ज़्यादा आ रहा था इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स यानी कि जो टूटे तख्तों के साथ जो हमारा जो शिप का जो टूटा हिस्सा था उसमें वाटर और भी ज़्यादा आ रहा था वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर हम दोनों ने ये महसूस किया कि हमारा एंड अब बहुत ही निकट है बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉम एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी सिक्स विद द विंड ईजिंग लेकिन वेव वॉकर ने राइड कर लिया स्टॉम को एंड मॉर्निंग में जनवरी सिक्स में विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट सेक्सटेंट यानी कि जो एक यंत्र होता है कंपास की तरह उस पर हम पढ़ सकते हैं कि भाई हम लोग किस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और जहाँ भी जाना है वो कितनी दूर है ये सारी चीज़ें उस पर कोशिश कर सकते हैं उसने कोशिश की पढ़ने की बैक इन द चार्ट रूम वो चार्ट रूम में गया आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स उसने विंड स्पीड्स पे काम किया चेंजेस ऑफ कोर्स यानी कि कोर्स कैसे चेंज होने कैसे बदलाव आने हैं ड्रिफ्ट एंड करंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन यानी हमारी जो पोजीशन है उसके लिए एफर्ट किया उसने उसका जो करंट है जो जो सी का जो बहाव है जो धाराएं हैं जो कोर्स है और इन सबको उसने पढ़ने की कोशिश की द बेस्ट आई कुड डिटरमिनेट डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन वन फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर्स यानी कि वन लैख फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ सिक्सटी फाइव किलोमीटर वाइट आइलैंड यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि आ, सबसे ज़्यादा जो उन्होंने कोशिश की डिटरमाइन करने की वो ये थी कि वन लैख फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर का जो ओशन था उसमें वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे सिक्सटी फाइव किलोमीटर वाइट आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वायर आई वॉज थिंकिंग जब मैं ये सोच रहा था सुई मूविंग पेनफुली सुई मेरे पास आई मेरी डॉटर जो मेरे पास आई सुजैन so uh, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था जॉइंट में द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन उसके हेड का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा था बहुत ज़्यादा सूज गया था एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स और उसकी जो ब्लैक आइज थी वो एकदम से छोटी हो गई थी सिकोट की छोटी हो गई थी शी गेव मी आ कार्ड शी हैड मेड उसने कार्ड बनाया था वो मुझ उसने मुझे दिया ऑन द फ्रंट सबसे आगे शी हैड ड्रॉन कार्किचर्स कार्किचर्स यानी उसने कार्टून बनाए ऑफ मैरी एंड मी मेरे और मैरी के उसने कार्टून बनाए विद द वर्ड्स उस पर लिखा हुआ था हेयर आर सम फनी पीपल यहाँ पर कुछ फ़नी पीपल हैं डिड दे मेक यू लाफ क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया आई लव अ लॉट एज वेल मैं तो बहुत हंसी इन साइड वॉज अ मैसेज अंदर एक मैसेज था ओ हाउ आई लव यू बोथ मैं आप दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ सो दिस कार्ड इज़ टू से इसीलिए ये कार्ड है आपको कहने के लिए क्या थैंक यू आपको धन्यवाद देने के लिए एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट और साथ में होप देने के लिए कि हमारे साथ अब अच्छा ही होगा वी हैड टू मेक इट किसी तरह से हमने कोशिश की तो उस बेटी ने भी उनकी बहुत हिम्मत दिखाई आई चेक एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस अब यहां पर राइटर बता रहे हैं कि उन्होंने चेक किया फिर दोबारा से रीचेक किया कि भाई अब कितनी दूर है वो एल वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास उन्होंने अपना मेन कंपास खो दिया था एंड आई वॉज यूजिंग आ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिंग वेरिएशन फिर उन्हें एक स्पेयर मिला कंपास का जिसे मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए करेक्स आ, करेक्ट नहीं किया गया था आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनोदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स फिर मैंने उसको किसी तरह से वेस्टर्नली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओसन यानी कि जो इंडियन ओसन के इस पार्ट से जो फ्लो हो रहा था उस वेस्टर्नली करेंट्स के प्रभाव को एस्टिमेट करने के लिए मैंने इसको अलाउंस किया मतलब इसको ठीक किया मैंने अबाउट टू पी एम आई वेंट ऑन डेक करीब ये दो बजे की बात है जब मैं डेक पर गया ये नाइट की है नाइट की टू पी एम की सॉरी ये दिन की टू पी एम की बात है और उस समय वो डेक पर गए एंड आज लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ वन एट्टी फाइव डिग्रीज़ उन्होंने अपनी जो लैरी था वहाँ पर उस लैरी से कहा कि वो वन एट्टी फाइव डिग्रीज़ के कोर्स से वो स्टियर करें एंड इफ़ वी आर लकी और यदि हम लकी हुए हम भाग्यशाली हुए आई टोल्ड हिम अ कन्विक्शन मीन्स यदि तुम जो है वन एट्टी फाइव डिग्री से चलाते रहोगे तो हो सकता है हम लकी हों और ये मैंने उसके उससे बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा विश्वास से उससे कहा आई डिड नॉट फील लेकिन वो विश्वास मैं अंदर फील नहीं कर रहा था लेकिन वो विश्वास मैंने लैरी को दिखाया कि हम हो सकता है भाग्यशाली साबित हों ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट फाइव पी एम उसने लैरी से कहा कि अगर वन तुम वन एट्टी फाइव डिग्री से तुम इसको स्टीयर करो इसको चलाओ और यदि हम भाग्यशाली साबित होंगे तो हम जो है कहाँ पहुंच जाएंगे आइलैंड पर पहुंच जाएंगे फाइव पी एम पर देन विद आ हैवी हार्ट फिर एक भारी दिल के साथ आई वेंट ब्लो मैं नीचे गया क्लाइम्ड ऑन माई बंक मैं अपने बिस्तर पर चला गया एंड अमेजिंगली और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि डोस्ट ऑफ मुझे वहां पर नींद आ गई एकदम से वेन आई वॉक इट वॉज सिक्स पी एम जब मैं जगा तो कितने बज रहे थे सिक्स ओ क्लॉक हो रहे थे एंड ग्रोइंग डार्क एकदम से चारों तरफ अंधेरा हो रहा था न्यू वी मस्ट है आइलैंड और मैं जान गया कि हमने जो आईलैंड को मिस कर दिया है एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट और जो सेल हम पहले छोड़ चुके थे वी कुड नॉट है वेस्टर्नली विंड्स कि हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि जो वेस्टर्ली विंड्स के लिए हम वापस जाने की हम क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स चल रही थी तो उसके लिए हम वापस जाने की हम होप भी नहीं कर सकते थे एट दैट मोमेंट आ टोजल्ड है एपियर्ड बाई माई बंक तभी मैंने महसूस किया उसी पल कि कोई टोजल्ड हेड वहाँ पे खड़ा हुआ है मतलब मडल्ड हेड वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है मेरे जो केविन था जहाँ पर मैं सोया हुआ था कैन आई हैव अ हग जोनाथन आस्ट फिर वहाँ पर जोनाथन आता है उनके पास वो कहता है कि क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ सोई वॉज राइट वेहैंड हिम सोई उसके पास सीधे साथ में खड़ी थी वाई एम आई गेटिंग आ हक नाउ आई आस्ट मैंने जोनाथन से कहा अपने बेटे से कहा कि क्यों भाई मैं क्यों तुम तो मुझे हक क्यों करना चाहते हो बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड मेरे बेटे ने आंसर दिया क्या आंसर दिया क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन हैं नॉट टूडे जॉन आई एम एफरेड जॉन कम से कम आज के लिए तो मैं तुम्हारा अच्छा डैडी नहीं हूँ मुझे डर है ई इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस सुई ने एकदम से सच बोलने वाली आवाज में कहा क्यों आप सच में सबसे अच्छे डैडी हैं दुनिया के और सबसे अच्छे कैप्टन हैं यू फाउंड द आईलैंड क्योंकि आपने आइलैंड को ढूंढ लिया वॉट आ शाउटेड मैं एकदम चिल्लाया क्या इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस कोरस्ट, वो दोनों साथ में एकदम से बोले कि देखो वो आइलैंड जो हमारे सामने हैं एज विज अ बेटल शिप जैसे कि बेटल शिप होता है वैसे उतना बड़ा ये आइलैंड है आई रस्ट एंड डैक मैं एकदम से तेजी से डैक पर गया एंड गेस्ट विद रिलीफ एट दउटलाइन ऑफ आयल एम्स्टरडम फिर वहाँ पर जाके जब मैंने देखा कि जो आयल एम्स्टरडम था उसकी आउटलाइन को जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक ये एक वॉलकैनिक रॉक था ब्लिक पीस का विथ लिटिल वेजिटेशन और ये इस पर थोड़ी सी वेजिटेशन थी यानी बनस्पति थी द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड और ये वर्ल्ड में सबसे ब्यूटिफुल आईलैंड था वी एंकर ऑफ श्योर फॉर द नाइट हमने वहाँ पर नाइट में एंकर डाल दिया लंगर डाल दिया एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल ट्वेंटी एट इनहेबिटेंट्स ऑफ द आईलैंड चीयर्ड अज दे हेल्प अज एश्योर और अगली सुबह ट्वेंटी एट इन्ेबिटेंट्स उस आईलैंड के हमें चेयरअप करने के लिए आए और उन्होंने हमारी हेल्प की किनारे पर उतरने की विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन दोबारा से मैंने अपने पाँव के नीचे अपने पैरों के नीचे मैंने लैंड को ज़मीन को महसूस किया माई थॉट्स वर फुल ऑफ लेरी एंड हरवी और मेरे थॉट्स मेरे बार बार विचारों में कौन कौन आ रहे थे लेरी और हैवी आ रहे थे जो क्रू मैन थे जो दो उन्होंने अपने साथ लिए थे अपनी हेल्प के लिए चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट एंड अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस स्ट्रेस यानी कि जो तूफान था जो टेंशन थी उनको कि उससे कैसे पार निकलेंगे उसमें वो उनके साथ चेयरफुल रहे ऑप्टिमिस्टिक रहे ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी रहे एंड ऑफ मैरी फिर मैंने मैरी के बारे में सोचा अपनी वाइफ के बारे में सोचा वू स्टेड एट द व्हील जो व्हील पर रुकी रही फॉर ऑल दोज क्रिशियल आर्ट्स यानी कि उन इम्पोर्टेंट आर्ट्स में जब तूफान आ रहा था और मैं उससे मतलब वो व्हील को संभाले हुई थी और मैं अंदर जो है पानी को बाहर निकालने की मैंने कोशिश की थी तो उस टाइम जब उसने व्हील को संभाला था तो मैं उसके लिए उसके बारे में सोच रहा था मोस्ट ऑफ ऑल आई थाट ऑफ अ सेवन ईयर ओल्ड गर्ल और सबसे अधिक मैं सोच रहा था किसके बारे में अपनी बेटी के बारे में जो तो कि सेवन ईयर ओल्ड थी हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी जो अपनी हेड इंजरी के बारे में हमें परेशान नहीं करना चाहती थी विच सब्सिक्वेंटली टुक सिक्स माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉड बिटवीन स्किन एंड स्कल फिर उसके बाद क्या हुआ जो इंजरी थी उसके हेड में उस इंजरी की वजह से उसके सिक्स छोटे छोटे ऑपरेशन हुए जो ब्लड जो वहाँ पर जम गया था उस ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए स्किन और स्कल के बीच में जो ब्लड क्लॉट हो गया था उसको हटाने के लिए सिक्स ऑपरेशन हुए छोटे छोटे एंड ऑफ अ सिक्स ईयर ओल्ड बॉय हु वॉज़ नॉट अफ्रेड टू डाई और अपने उस सिक्स ईयर ओल्ड बेटे के बारे में सोचा जिसे मरने से डर नहीं लगता था तो ये थी स्टोरी आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आई होगी एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन थैंक यू